टैक्स जो अब तक हम लोगों ने जाना है वो ये कि 1994 में मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री के तौर पर जो बजट पेश किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग अगर गुड्स पर टैक्स लगा सकते हैं तो सर्विसेज पर क्यों नहीं, मुझे इसका कारण बताइए। सीधी सी बात है, देख लिया था हम लोगों ने। और फाइनेंस एक्ट 94 ही हम लोग के लिए सर्विस टैक्स के लिए प्रोविजंस आज भी तैयार करता है, मेंटेन करता है, इसके लिए आज तक कोई एक्ट नहीं है। एंट्री नंबर 97 की हेल्प से जो रेजिडुअरी एंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन की, उस एंट्री के थ्रू आज भी सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। भले ही हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री नंबर 92C टैक्सेज ऑन सर्विसेज को ला तो दिया है, लेकिन चूँकि जब तक एक्ट नहीं पास हो जाता तब तक उस एंट्री का कोई रोल नहीं है फिलहाल। ठीक, आगे हम लोगों ने देखा था कौन कौन से लॉज होते हैं। अच्छा, सिस्टम क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, CBEC, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर, यही देखा था। हाँ, कौन कौन से लॉज होते हैं वो हम लोगों ने देखा था, फाइनेंस एक्ट 1994, सर्विस टैक्स रूल्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, नोटिफिकेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है टाइम टू टाइम फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग द एग्जेम्पशंस ऑन अ स्पेसिफाइड टू अ स्पेसिफिक सर्विसेज, सर्कुलर और ऑफिस लेटर्स और एक्सप्लेनेशंस क्लेरिफिकेशंस, ये चीज़ें हम लोग को देते हैं कौन, CBEC। और साथ ही हम लोग ने देखा था ऑर्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और CBEC दोनों देती है, ट्रेड नोटिसेस, रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टेंसी की सर्विसेज देते हैं, पर्सनल रिप्रेजेंटेशन का, बुक्स ऑफ अकाउंट का, सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट का, एंड ओनरस टास्क टू कीप पेस यानी कि अपडेशन का। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेक्शन 64, क्या स्टार्ट किया था, सेक्शन 64 एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सर्विस टैक्स, इट अप्लाइज होल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1st July 1994, हाँ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेवी हम लोगों ने देख लिया था, डेफिनीशन सर्विस की एक बार और देखते हैं, डेफिनीशन ऑफ सर्विसेज मींस, सर्विस मींस एनी एक्टिविटी फॉर कंसीडरेशन, एनी एक्टिविटी फॉर कंसीडरेशन कैरिड आउट बाय अ पर्सन टू अनदर एंड इंक्लूड्स अ डिक्लेयर्ड सर्विस, क्लियर है, ये चीजें हम लोगों ने देखी थी या नहीं। कंसीडरेशन क्या होता है, मनी क्या होता है, शायद इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है ना, हाँ है ना, चल। एक्सक्लूजन जिसमें शामिल नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या शामिल नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ। दूसरा तेज बोलो ना, डीम टू बी अ सेल, तीसरा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा ट्रांजैक्शन इन मनी, फोर्थ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एंड कोर्ट फीस, याद आया, चले। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देख लिए थे, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 को छोड़ करके, क्लियर है, आज हम लोग एक्सप्लेनेशन नंबर 3 देखेंगे फिलहाल। एक्टिविटी की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी, एन एक्ट डन, वर्क डन, डीड डन, ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्ट, प्रोविजन ऑफ अ फैसिलिटी, इट मे बी एक्टिव और पैसिव एक्टिविटी, एक्टिविटी मे बी पैसिव और एक्टिव, क्लियर है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस हम लोगों ने देख लिया था, मॉनिटरी कंसिडरेशन शायद देखा था, हाँ नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन ये भी देख लिया था। आज देखते हैं जो आज हमने असाइनमेंट दिया है, जरा ढंग से देखें, सर्विस मींस उस जरा डेफिनेशन में हमने लिखवाया था एनी एक्टिविटी फॉर कंसीडरेशन, याद होगा तुम लोग को, सर्विस मींस सेक्शन 65B सबसेक्शन 44, यही तो था, हाँ या ना, सर्विस मींस एनी एक्टिविटी फॉर कंसीडरेशन कैरी आउट बाय
अ पर्सन फॉर एनदर, दैट्स इट। सर्विस की डेफिनेशन में था एनी एक्टिविटी फॉर व्हाट, फॉर कंसिडरेशन। सेकंड था इसमें कैरिड आउट बाय एनी पर्सन फॉर एनदर एंड इंक्लूड्स डिक्लेयर्ड सर्विस। फिलहाल उसको छोड़ देते हैं। जो आज मैंने असाइनमेंट दिया है जरा देखिए, उसमें सबसे ऊपर मैंने हेडिंग पहले दी है नोट में, सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन टू एनदर। क्या हम अपने आप को सर्विसेज दे सकते हैं? नहीं। क्या हम अपने आप को सर्विसेज दे सकते हैं? नहीं। आज ये भ्रम तोड़ दो। फर्स्ट टाइम यही बताया था, लेकिन आज मैं कहता हूं जो एक्सप्लेनेशन थ्री मैंने स्किप करवाई थी ये पूरा एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री है, फिर से मैंने यहां पर राइट किया है एलेबोरेट करते हुए। क्या है ये एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री या ये सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन टू एनदर? फर्स्ट लाइन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, देयर मस्ट बी टू डिफरेंट एंटिटीज, सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विस रिसीवर, हेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन टू सेल्फ डज नॉट फॉल इन द मीनिंग ऑफ सर्विस, दैट्स इट। यहां तक तो हम लोग जानते हैं, नहीं जानते? लेकिन आगे की जो लाइन लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि इन केसेस में अगर एक बंदा अपने आप को भी सर्विसेज देता है तो वो सर्विस टैक्स के दायरे में आ जाएगा, उसको सर्विस मान लिया जाएगा। लेकिन कब, जरा देखें। हाउ इन द फॉलोइंग केसेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन टू हिमसेल्फ शैल बी टैक्सेबल, अंडरलाइन कर लें। बहुत बड़ी बात है कि अगर मैंने अपने आप को सर्विसेज दी तो वो भी टैक्सेबल होंगी, बशर्ते कौन सी दो चीजें, एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन, अंडरलाइन कर ले पर्सन को। पर्सन की डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में ही जाते जाते लिखवाई थी, एन इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP, AOP, BOI, वेदर कॉर्पोरेटेड और वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सारी चीजें आ गई थी। ये सब पर्सन होते हैं। अब फिर ढंग से देखो वर्ड क्या यूज कर रहा है, एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी क्या, दिल्ली बोल सकते हैं? एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन इन द टैक्सेबल टेरिटरी एंड एनी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। कहां? जम्मू एंड कश्मीर। शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। एक कंपनी है, वो कंपनी यूपी में भी है, वो कंपनी आपकी दिल्ली में भी है, वो कंपनी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में भी है, हर जगह वो कंपनी उसकी ब्रांचेस हैं। होती है ना कई कंपनियां जिसकी ब्रांचेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैली रहती हैं। एग्जाम्पल, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी हुज हेड ऑफिस इज इन जम्मू एंड कश्मीर टू इट्स ब्रांच इन दिल्ली। ये HO है और ये ब्रांच है, इसने इसको सर्विस दी, ये किसी दूसरे को भी सर्विस देती कंपनी तो वो टैक्सेबल सर्विस हो जाती, क्योंकि सर्विसेज कहां दीजिए रही हैं, सर्विस रिसिपियंट के ऊपर टैक्स लगता है, लगा सर्विस रिसिपियंट के ऊपर टैक्स लगता है ना, तो यहां सर्विस रिसिपियंट कहां है, दिल्ली में, और ये टैक्सेबल टेरिटरी है। अगर यहां की हेड ऑफिस यहां के दिल्ली के ब्रांच को सर्विसेज देती है तो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, पक्की बात है। यानी एक कंपनी अपने आप को सर्विसेज दे रही है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी। क्लियर हुआ? नहीं बोले, पक्का? फिर पढ़े, एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन, पर्सन को मतलब यहां पर कंपनी, दो मिनट के लिए, पर्सन में कंपनी शामिल होती है। एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी इन द टैक्सेबल टेरिटरी एंड एनी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। नाउ दीज टू फॉर्म मीन्स हेड ऑफिस एंड ब्रांच वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सिंगल एंटिटी, बोथ ऑफ दीज टू कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटी।
दो सेपरेट एंटिटी होते हैं, एक कंपनी अपने आप को ही सर्विसेज दे रही है, ऐसा बोलने से अच्छा है कि एक हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को सर्विसेज दे रही है। सेकंड चले, हाँ बोले। अगर सर्विस रिसिपिएंट यहां है तो टैक्सेबल टेरिटरी नहीं हुई, बात खत्म। क्या अगर यूपी में कौन हो सर्विस रिसिपिएंट तो टैक्सेबल तो होगा ना। सर्विसेज देने का मतलब, सर्विस मींस क्या, सर्विस का मतलब पहले तो निकालें। सर्विस का मतलब आप कहोगे सर एक आदमी अपने आप को कैसे सर्विसेज दे सकता है, सर्विसेज मींस एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन, मैंने पहले ही लिखा है। कोई भी एक्टिविटी जिसके अगेंस्ट आपको कुछ मिल रहा हो, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी ही ब्रांच हेड ऑफिस ब्रांच को कोई सर्विस दे रही है विदाउट एनी चार्जिंग अमाउंट, तो ये सर्विस नहीं हुआ ना, तो उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। अब क्लियर है? तो जब सर्विस की बात आएगी तो तुरंत डेफिनेशन पर जाओ, पर्सन की बात आएगी तुरंत डेफिनेशन पर जाओ, मनी की बात आएगी तुरंत ट्रांजेक्शन इन मनी पर जाओ, उनके रेलिवेंट डेफिनेशन पर जाएंगे, अपने आप क्लैरिटी मिलेगी, कन्फ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ सर्विस का मतलब हम सोचते हैं एक हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को सर्विस दे रही है तो फ्री का दिमाग आता है, अरे फ्री को तो हम सर्विस मानते ही नहीं। अब क्लियर है? चले आगे। एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ पर्सन्स एज द केस मे बी एंड अ मेंबर देयर ऑफ शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। एक अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो एओपी अपने मेंबर्स को अगर सर्विसेज दे रहा है और उसके अगेंस्ट कुछ ले रहा है तो क्या उसको फ्री कर दोगे? मतलब वो सर्विस सर्विस नहीं है। हम चार लोग मिलकर के एक क्लब बना लेते हैं, धूम धड़ाका करेंगे, लेकिन उसके बदले हम क्या लेंगे तुमसे? पैसा। तो क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सर्विस ना, क्योंकि हम उसके बदले क्या ले रहे हैं? कंसिडरेशन। आगे देखें। एन अनइनकॉर्पोरेटेड Corporated association or a body of persons, as the case may be, and a member thereof shall be treated as distinct person. तो ये अलग अलग person होगा, ये नहीं कहोगे अनकॉर्पोरेटेड बॉडी ने अपने ही members को सर्विस दी, मैंने अपने आप को ही सर्विस दी, ना 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 ना। अब ये अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी एक अलग पर्सन है, आप ये नहीं कह सकते हो ये इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो ये अनइनकॉर्पोरेटेड है। इनकॉर्पोरेटेड में हम लोग जानते हैं कंपनी अलग एंटिटी होती है, उसके बंदे अलग होते हैं, भले ही अनकॉर्पोरेटेड है लेकिन इसका वो स्टेटस गायब नहीं होगा कि बोथ ऑफ दीज टू आर डिस्टिंक्ट पर्सन, दोनों अलग अलग माने जाएंगे। क्लियर है? तो आप केवल उसको इनकॉर्पोरेट न करवाकर ये न बोलो कि हम दोनों एक ही हैं, आप दोनों अलग अलग हो। चले कंसिडरेशन। अब दूसरी बात, कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज मे बी पेड बाई थर्ड पार्टी। मैंने आपको सर्विस दी तो आपका पेमेंट कोई दूसरा मुझे करेगा, क्या ये अलाउ है? हाँ, अरे मुझे पैसे मिलने से मतलब है, ये दे या इसका बगल गिर के दे, बात समझना। आई एम कंसर्न विद द कंसिडरेशन ओनली, मैं किसी दूसरे बंदे को सर्विसेज दे रहा हूँ और मुझे वो क्या दे रहा है? कंसिडरेशन। या तो वो दे या उसके बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन दे। जरा देखें कब। द कंसिडरेशन फॉर अ सर्विस मे बी प्रोवाइडेड बाई अ पर्सन अदर देन द पर्सन रिसीविंग द बेनिफिट। अदर देन द पर्सन रिसीविंग द बेनिफिट, ये सर्विस रिसिपियंट है, ये पेमेंट नहीं दे रहा मुझे, कोई दूसरा बंदा दे रहा है। अदर देन द पर्सन रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ सर्विस एज लॉन्ग एज देर इज अ लिंक बिटवीन द प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड कंसिडरेशन। दोनों के बीच में लिंक होना चाहिए, मैंने इसको सर्विस दी तब उसने मुझे पेमेंट दिया दूसरे बंदे ने, मैं इसको सर्विस नहीं देता तो वो भी मुझे पेमेंट नहीं देता। अब क्लियर है? नहीं। देयर शुड बी अ डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड द कंसिडरेशन। इधर आई एम जस्ट गेटिंग डायरेक्टली इट फ्रॉम द सेम सर्विस रिसिपियंट और ऑन बिहाफ ऑफ द और ऑन हिज बिहाफ, आई एम जस्ट गेटिंग इट फ्रॉम द अदर पर्सन और थर्ड पार्टी। क्लियर है? हाँ बोल। हाँ आएगा, आएगा वो आएगा, चिंता ना करना। अब पूछता है ये दो चीजें, तुम्हारी बात नहीं कर रहे इसकी बात कर रहे, डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो हमें कंसिडरेशन मिल रहा है वो डायरेक्ट लिंकेज, मैंने इसको सर्विसेज दी, इसके अगेंस्ट या तो ये मुझे पेमेंट करे या तो इसके अगेंस्ट कोई दूसरा बंदा मुझे पेमेंट करे, तो डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए उस सर्विस के लिए। ठीक, फिर से पढ़ते हैं।
द कंसिडरेशन फॉर अ सर्विस मे बी प्रोवाइडेड बाई अ पर्सन, मेरे लिए अदर देन द पर्सन, देखना द कंसिडरेशन ऑफ सर्विस मे बी प्रोवाइडेड बाई अ पर्सन, कंसिडरेशन दूसरे बंदे की बात कर रहा है, अदर देन द पर्सन रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ द सर्विसेज एज लॉन्ग एज देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड कंसिडरेशन. डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए दोनों के बीच में. बोलो, समझ में आई बात? तो कुछ चीज़ें नहीं पता चली आज. पहली चीज़ कि हम अपने आप को भी सर्विसेज देते हैं, वो भी टैक्सेबल अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं तो. जैसे एक कंपनी ने, देखें एग्जांपल, अ कंपनी में पे फॉर सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड टू इट्स सब्सिडरी कंपनी. अ कंपनी में पे फॉर सर्विसेज दैट आर दोज विच आर प्रोवाइडेड बाय सब्सिडरी कंपनी. हाँ है ना, प्रोवाइडेड टू सब्सिडरी कंपनी. अगर तुम मेरी किसी सब्सिडरी कंपनी को कोई हेल्प करोगे, सर्विसेज दोगे, मैं होल्डिंग कंपनी तुम्हें पेमेंट करूंगा. मेरी बात समझना, तुमने मेरी सब्सिडरी कंपनी को सर्विस दी, मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा. तुम सर्विस नहीं दोगे, मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूंगा. क्लियर है? बोलो क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल लगता है. यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट पर्सन होने चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए, आप एक स्टेट में रहने वाले हो, यहाँ पर टैक्सेबल टेरिटरी और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का कंसेप्ट है. बात समझ में आई? यहाँ आप कोई सेल्स टैक्स और वैट की बात नहीं कर रहे, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, उसकी तो बात ही हम नहीं कर रहे ना. आप कन्फ्यूज ना हो, उन जगहों पर ना जाएं, ठीक है? किनारे रखें उनको. नीचे देखें, एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन, एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ द कंडीशन दैट एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट फॉर अ कंसिडरेशन. हाँ, एक्टिविटी कंसिडरेशन के अगेंस्ट होना चाहिए. मैंने तुम्हें तुमको कोई सर्विसेज दी हैं, कोई एक्टिविटी की है, सर्विसेज दी हैं, तो उसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए. मैं तुम्हें कोई चीज़ फ्री में दूँ, मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाऊँ, कोई पेमेंट ना लूँ, क्या उस पर सर्विस टैक्स लग जाएगा? क्या वो सर्विस है? सर्विस है ही नहीं, क्योंकि वो एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन है. क्लियर है? तो एक्टिविटी कंसिडरेशन के अगेंस्ट होना चाहिए. किसके अगेंस्ट होना चाहिए? रास्ते पे एक भिखारी है, वो जा रहा है, उसको मैंने 2 रुपया दे दिया, क्या वो सर्विस हो गई? नहीं हुई. वो गाना गा रहा है भिखारी, मैंने उसके कटोरे में 10 रुपया डाल दिया, क्या सर्विस उसने मुझे दी? मुझे गाना सुनाया, मुझे बड़ा मजा आया, तो मैंने वो 10 रुपये उसको दिया, क्या ये पॉसिबल है? सर्विस को मानोगे ना? अब जरा ढंग से देखें. अरे तो इसमें हंसने वाली तो कोई बात ही नहीं है. क्यों, तुम लोग गाना गाना चाहते हो? तो हम 10 रुपया देंगे. देखो इधर, टू बी टैक्सेबल एन एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट, टू बी टैक्सेबल एन एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट बाई अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. मैं बार बार इसी लाइन को देखो, उधर अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, वो परसों से ही चला रहा है, लास्ट 2 क्लासेस से चला रहा है कि एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन. इसको तो दिमाग में रट्टा मार लो. एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन, फर्स्ट लाइन भी वही बोल रहा है. एक्टिविटी कैरिड आउट विदाउट एनी कंसिडरेशन लाइक डोनेशन. मैंने डोनेशन दिया किसी को, क्या दिया? डोनेशन दिया. अगर मैं वो डोनेशन देता हूँ, क्या वो सर्विस मानी जाएगी? नहीं. मैंने डोनेशन फ्री में दिया है विदाउट कंसिडरेशन, यानी मुझे सामने वाले से कुछ भी रेसिप्रोकल कुछ नहीं मिला, उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैंने उसको पैसे दे दिए, मैंने उसको जमीन दे दी, मैंने उसको घर दे दिया, ये डोनेशन है. बोलो, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू. एक्टिविटी कैरिड आउट विदाउट एनी कंसिडरेशन लाइक डोनेशन, गिफ्ट और फ्री चैरिटीज, और फ्री चैरिटीज आर देयर फॉर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ अ सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, ग्रांट रिसीव्ड और ग्रांट गिवन फॉर अ रिसर्च. मैंने किसी रिसर्च के लिए ग्रांट दिया और मैंने सामने वाले से कहा, ये ले जाओ पैसा, इससे तुम रिसर्च करो. तुम कौन सा रिसर्च करते हो, कैसा रिसर्च करते हो, मुझे इससे कोई लेना देना
नहीं, क्या ये सर्विस है? मैंने उसको कहा देख रिसर्च करना है फर्नीचर बनाने पर, तू फर्नीचर बनाने पर रिसर्च करेगा। अब किस तरह का फर्नीचर, वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मैंने दे दिए, तो इस तरह का रिसर्च सर्विस के दायरे में आएगा क्योंकि मैंने कुछ कंसिडरेशन मांगा है, हाँ या ना? तो वहाँ सर्विस रिसीवर और सर्विस प्रोवाइडर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने विदाउट एनी कंडीशन डोनेशन दिया है तो वो सर्विस के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं सामने वाले से कहूँ देख पैसा तो मैं दे रहा हूँ डोनेशन, इसका प्रॉपर यूज़ करियो, इसका प्रॉपर यूज़ करना, मिस यूटिलाइजेशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी मेहनत की कमाई है, पैसा सही जगह यूज़ करना, रिसर्च के लिए दे रहा हूँ, डोनेशन दे रहा हूँ, तुम क्या करते हो उस पैसे का मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन फंड को प्रॉपर यूटिलाइज करना, और हाँ मुझे रिपोर्ट जरूर करना खर्च करने के बाद तुमने खर्च कहाँ किया। क्या ये सर्विस हो गई? ये सर्विस नहीं हुई, उसने मुझे उसके अगेंस्ट रेसिप्रोकल में कोई सर्विसेज नहीं दी। मैंने उसको पैसा दिया, मुझे कौन सी सर्विस मिली? मैंने तो केवल प्रॉपर फंड के यूटिलाइजेशन के लिए उसके ऊपर एक इम्पोजिशन की है कंडीशन। क्या दिक्कत है? नहीं कर सकता मैं, अगर किसी को डोनेशन दे रहा हूँ फ्री में, क्या मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे फंड का प्रॉपर यूज़ करना? हाँ उसकी रिपोर्ट दे देना, क्या वो कंडीशंस हो गई ना? ये कंडीशंस तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के लिए है, उसको फ्री माना जाएगा, ये सर्विस के दायरे में नहीं आएगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? देखें, एक्टिविटी कैरिड आउट विदाउट एनी कंसिडरेशन लाइक डोनेशन गिफ्ट और फ्री चैरिटीज आर देयरफॉर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल ग्रांट गिवन फॉर अ रिसर्च वेयर द रिसर्चर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर रिसर्च वुड नॉट बी ए कंसिडरेशन फॉर सच रिसर्च। ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। मैंने सामने वाले को पैसा दे दिया, जो यूज़ करना हो जहाँ यूज़ करना हो, मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, बस प्रॉपर यूटिलाइजेशन की कंडीशन और रिपोर्टिंग की कंडीशन लगा रहा हूँ। ये कोई कंडीशन नहीं होती, पैसे को तुम जहाँ यूज़ करना चाहो यू कैन यूटिलाइज इट एट योर ओन मोशन। कंडीशन इन अ ग्रांट स्टिपुलेटिंग मेयरली, ढंग से देखें आगे इस लाइन को क्लैरिटी क्लियर किया हुआ है, कंडीशन इन अ ग्रांट स्टिपुलेटिंग मेयरली प्रॉपर यूजेज ऑफ फंड्स एंड प्रॉपर यूजेज ऑफ फंड्स एंड उसमें फंड्स लिखा होगा, फंड्स कर देना, प्रॉपर यूजेस ऑफ फंड्स एंड फर्निशिंग ऑफ अकाउंट ऑल्सो विल नॉट रिजल्ट इन मेकिंग इट अ प्रोविजन ऑफ सर्विस। हाँ या ना? अब क्लियर है? पक्की बात है? समझ में आया? नहीं आया? आया। यानी अगर मैं सामने वाले को रिसर्च करने के लिए दे रहा हूं, मैंने कहा इस तरह का कपड़ा बनाना, इस तरह का काम करना, ये काम करना, तो ये होता है कंडीशन लगाना। यानी मैं सामने वाले से सर्विसेज की एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ, वो सर्विसेज हैं, वो सर्विस मानी जाएंगी, मैं कह रहा हूँ पैसा ले जाओ जहाँ यूज़ करना हो वहाँ यूज़ करना, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड रिपोर्टिंग मुझे ज़रूर करना ताकि मुझे पता चल सके कि वेयर द फंड हैज़ बीन यूटिलाइज्ड। क्लियर? कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन, देखो बार बार वही आ रहा है, यही लाइन यही टेंशन दे रही नहीं। आगे देखो, द कंसेप्ट एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। अंडरलाइन कर ले कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप को, यानी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। तुम नहीं चाहते हमसे सर्विस लेना, मैं तुम्हें सर्विस दे दे रहा हूं, मेरी बात समझना, तुम नहीं चाहते सर्विस देना, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूं। हमें तो लग रहा है अभी वही हो रहा है, तुम पढ़ना नहीं चाहते, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? फिलहाल तुम नहीं चाहते सर्विस लेना, मैं सर्विस दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता तुमसे पैसा लेना और तुम मुझे पैसा दे रहे हो, मेरी बात समझना, हंसने वाली बात नहीं है। मैं सर्विस देना नहीं चाहता लेकिन तुम मुझे पेमेंट कर रहे हो, तो एक्टिविटी तो है ही नहीं लेकिन कंसिडरेशन है। हाँ या ना? बात समझना, मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, एक्टिविटी दे रहा हूं लेकिन तुम लोग फीस नहीं देना चाहते, और मैं फीस लेना नहीं चाह रहा लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, दोनों हो सकता है, लेकिन इसको एक्टिविटी नहीं मानेंगे। एक्टिविटी फॉर अ कंसिडरेशन, मैं पढ़ाना चाहता हूं, तुम लोग पढ़ना चाहते हो, मैं फीस लेना चाहता हूं और तुम लोग फीस देना चाहते हो, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, ठीक है ना? फिलहाल
द कंसेप्ट एक्टिविटी फॉर अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप वेयर इन द पर्सन डूइंग एन एक्टिविटी डज सो एट द डिजायर ऑफ द पर्सन फॉर हुम द एक्टिविटी इज डन इन एक्सचेंज फॉर अ कंसिडरेशन. रेसिप्रोकल होना चाहिए. मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरी इच्छा है देने की, तुम्हारी इच्छा है लेने की, मेरी इच्छा है पेमेंट लेने की, तुम्हारी इच्छा है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए. ढंग से सुनना, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए. अब सुनो मेरी बात, किसी बच्चे ने अगर कोई लापरवाही की, कोई सामान तोड़ा, तो उससे हम पैसा वसूलेंगे. बात समझना, अगर कोई बदमाशी की, निकाल क्या करूँगा, फीस नहीं दूंगा वापस. मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, डरने वाली बात नहीं है. अगर किसी को मैंने निकाल दिया और उसने मुझे पूरी फीस दे रखी है, क्या ये सर्विस हो गई? क्या ये सर्विस हो गई? क्या मुझे सर्विस टैक्स लगे? हाँ भाई लगेगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप था. जब तुम लोगों ने एडमिशन कराया, नीचे साइन कर दिया, दैट मीन्स देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. हाँ या ना, क्लियर है? तो तुम लोग सोचना मत, हम दूसरे एग्जाम्पल देंगे. ये सब एग्जाम्पल असल में जल्दी समझ में आ जाते हैं और हमेशा दिमाग में रहते हैं, इसीलिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ और कोई नहीं. अभी कंपनियों की बात करूँगा तो अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? तो अपने ऊपर बीतती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ में आता है. क्लियर है? एन एक्टिविटी, अच्छा इस पर अंडरलाइन कर ले, एट द डिजायर ऑफ द पर्सन. एट द डिजायर ऑफ द पर्सन, मैं फिर से इन लाइनों को पढ़ता हूं. द कंसेप्ट एक्टिविटी फॉर अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप. कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. वेयर इन द पर्सन डूइंग एन एक्टिविटी, मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूं, डज सो एट द डिजायर ऑफ द पर्सन फॉर हुम द एक्टिविटी इज डन इन एक्सचेंज फॉर अ कंसिडरेशन. दैट्स इट. यानी आज की डेट में जो मैं यहाँ एक्टिविटी नौटंकी कर रहा हूँ, वो किसके कारण कर रहा हूँ? तुम लोग के चाहने के कारण. ठीक है ना? जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, एक्टिविटी कर रहा हूँ, वो किसके चाहने पर? तुम लोग के चाहने पर. हाँ, एट द डिजायर ऑफ द पर्सन फॉर हुम द सर्विसेज आर रेंडर्ड. टू हुम द सर्विसेज आर रेंडर्ड. द सिग्निफिकेंट पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड एज फॉलोज. डायरेक्ट एंड इमीडिएट लिंक बिटवीन योर सर्विस एक्टिव एंड कंसिडरेशन. डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, डायरेक्ट एंड इमीडिएट. एंड पर अंडरलाइन कर लें, डायरेक्ट और नहीं है, डायरेक्ट एंड इमीडिएट लिंक. ये क्या बला है सर? ये डायरेक्ट एंड इमीडिएट लिंक नहीं समझ में आ रही बात. सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर दो पार्टीज होती हैं, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, ये भी क्लियर है. मैं सर्विस प्रोवाइडर, तुम सर्विस रिसीवर, डायरेक्ट लिंकेज है ना, और इमीडिएट लिंक है. डायरेक्ट एंड इमीडिएट क्यों? देखें, इट इंप्लाइज दैट देयर शुड बी अ डायरेक्ट लिंक एंड नॉट एनी कैजुअल लिंक बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन. एक्टिविटी और कंसिडरेशन के बीच में कोई कैजुअल रिलेशनशिप या कैजुअल लिंक नहीं होना चाहिए, रिमोट लिंक नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल से आते हो ना कि सर कौन सा डायरेक्ट एंड इमीडिएट लिंक होगा और कौन सा कैजुअल लिंक होगा. सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट. अच्छा, ये जो सड़क पर चल रहे हो तुम लोग, टैक्स दिए हो तभी तो चल रहे हो. नाउ द गवर्नमेंट आर जस्ट प्रोवाइडिंग द इट्स सर्विसेज टू ऑल ऑफ यू, नॉट एट फ्री ऑफ कॉस्ट. इट सीम्स दैट यू आर जस्ट गेटिंग इट एट फ्री ऑफ कॉस्ट. सड़क पर चलते हो, गवर्नमेंट को गालियां देते हुए, सड़क नहीं बनाने आती, अब गवर्नमेंट बनाने आएगी. लेकिन देखो तो इमीडिएट बेनिफिट है, रिमोट बेनिफिट है, ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट सर्विसेज दी जा रही हैं. सिविल हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ने आपके लिए खोल रखे हैं, तो आप बीमार क्यों नहीं होते? आप फायदा पाएंगे, आपको फायदा मिलेगा. ये डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, ये डायरेक्ट एंड इमीडिएट बेनिफिट नहीं है, ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है और रिमोट बेनिफिट है, डायरेक्ट और इमीडिएट बेनिफिट नहीं है. सर्विसेज रिसीव्ड. एक बंदा गया वहां रेलवे स्टेशन पर, तो बोल रहा है कि ये कब तक आएगी गाड़ी. तो दुकानदार से पूछा, बुक्स बेच रहा था, ये गाड़ी कब तक आएगी? तो कहा, मुझे क्या मालूम, लेट चल रहा है. ये ट्रेन एट अ ग्लांस बुक आती है, उसको ले लो, उसमें पता चल जाएगा कौन ट्रेन कितने बजे आती है. मुझसे क्या पूछ रहे हो? कह रहा, क्या करेंगे समय सारणी लेकर के, क्या करेंगे समय सारणी, कभी तो ट्रेन समय पर आती नहीं. कहते, वाह बेटा, आज तो तुम बोल रहे हो समय सारणी, टाइम टेबल लेकर क्या करेंगे, कल बोलोगे ये वेटिंग रूम किस लिए बनवाया है. तो वेटिंग रूम तुम जैसे लोगों के लिए ही बनवाया है, ट्रेन लेट से आएगी तो वहाँ बैठे रहना क्यों. तो एक के साथ दूसरी प्रॉब्लम है,
सर्विसेज नहीं समझ में आया तुम लोग को, सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट अगेंस्ट टैक्सेस पेड नॉट टैक्सेबल। हमको सर्विसेज मिल रही है कहाँ से? गवर्नमेंट से, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, इमीडिएट बेनिफिट नहीं है, इमीडिएट लिंकेज नहीं है। दूसरा, फ्री सेमिनार। गवर्नमेंट कई बार देखो तो कई लोग फ्री सेमिनार करते हैं, एजुकेट करते हैं। कोई कंपनी है, टाटा है, रिलायंस है, उन्होंने फ्री सेमिनार किया। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना कैसे बेनिफिशियल होता है, आप सब लोगों का स्वागत है, आए। अब लोग जाते हैं, जरूरी थोड़ी कि कोई खरीद ले, हो सकता है 100 लोग पहुंचे, 100 में से एक ना खरीदे, लेकिन एजुकेट तो किया गया। तो वहाँ डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, और इमीडिएट बेनिफिट भी नहीं है, इमीडिएट सर्विसेज भी नहीं है। हाँ या ना, वो केवल एक सेमिनार किया जा रहा है एजुकेट करने के लिए। फ्री सेमिनार्स टू एजुकेट अबाउट प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्टली प्रमोटिंग अ म्यूचुअल फंड, इन दिस केस ऑल्सो डायरेक्ट लिंकेज इज मिसिंग। हमें नहीं मालूम कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सर्विस रिसीवर तो सारे हैं, लेकिन कौन उसके बदले कंसिडरेशन देगा कौन नहीं मालूम नहीं, तो डायरेक्ट लिंकेज नहीं। सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अ क्लब अगेंस्ट, सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अ क्लब अगेंस्ट मेंबरशिप, देयर इज अ डायरेक्ट लिंक। है ना लिंक? मैं क्लब की मेंबरशिप फीस पे कर रहा हूं तो किस उम्मीद के सहारे कि मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे, मुझे सर्विसेज मिलेंगी? नहीं, मैंने एक क्लब खोला, मैंने कहा आप लोग को जब जब ट्रेन की टिकट चाहिए बस मुझे कॉल कर देना, आपको ट्रेन की टिकट मिल जाएंगी, आप केवल मेंबरशिप फीस दे दो। आपको जब जब गैस सिलेंडर की जरूरत हो आप बस मुझे फ़ोन कर देना, आपको गैस सिलेंडर मिल जाएगा, आप बस एनुअल फीस 1000 डिपॉजिट कर दो। इट मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू पे मी रुपीज़ 1000 बाय एक्सपेक्टिंग दैट आई विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम माई साइड। हाँ है ना, मेरी ओर से आप लोगों को क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप मेरे मेंबर्स बनते हो और मैं आपको बेनिफिट्स या सर्विसेज दे रहा हूँ। सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ क्लब अगेंस्ट मेंबरशिप, देयर इज अ डायरेक्ट लिंक ऑफ मेकिंग द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर यूज, मेकिंग अ फैसिलिटी अवेलेबल फॉर यूज वेदर और नॉट इमीडिएटली यूज। क्लियर है? तुरंत यूज नहीं हो रहा, आपने मुझे पैसा दिया, थोड़े दिन बाद फैसिलिटी आप यूज करोगे, हो सकता है 6 महीने बाद यूज करो। आपके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो आपने हमको कॉल किया 6 महीने 7 महीने, लेकिन तुरंत बेनिफिट नहीं है, लेकिन डायरेक्ट लिंकेज है। चलो, इमीडिएट कनेक्शन, इट इंप्लाइज देयर शुड बी एन इमीडिएट एंड नॉट रिमोट कनेक्शन बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन। रिमोट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। देखें, जरूरी है क्या कि मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं तुम लोग पहले ही दिन फीस दो? हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, ठीक है ना। सर्विसेज मैं आज दे रहा हूँ लेकिन फीस मुझे 1 महीने बाद मिलेगी, जरूरी नहीं कि तुरंत कंसिडरेशन मिल जाए। क्लियर? जरा देखिए, कंसिडरेशन में एक्चुअली भी पेबल एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम बट लिंकेज शुड बी इमीडिएट। देखो तो लिंकेज पहले से ही बन चुका है, दिमाग में पहले से ही है, मेरे भी तुम्हारे भी। फॉर इंस्टेंस, इन केस ऑफ एन अवार्ड इज रिसीव्ड इन कंसिडरेशन फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन। लता मंगेशकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, क्या ये सर्विस हो गई ना? उसको पास्ट किए गए काम का आज, क्या उसने उस अवार्ड के लिए मेहनत की थी? क्या उसको मालूम था कि उसको ये अवार्ड मिलेगा? क्या तुम लोग को मालूम है तुम लोग सीएस बनोगे? क्या तुम लोग को मालूम है तुम लोग सीए बनोगे? सर्टेंटी तो कुछ नहीं है, सर्टेंटी नहीं है, हाँ कोशिश उस और है। तो जो आज एक्टिविटी हो रही है जिसका रिमोट कनेक्शन है उसको हम सर्विस के दायरे में नहीं रखते। Not to include, जैसे नोबल प्राइज हुआ, not to include any activity where no such reciprocity, reciprocal होना चाहिए, no such reciprocal, reciprocal का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि activity without consideration, मैं पढ़ा रहा हूँ फीस नहीं मिलेगी, consideration without activity, तुम लोगों ने फीस दी मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, बात समझना। तो reciprocal होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, activity भी होनी चाहिए और कंसिडरेशन भी होना चाहिए। क्लियर है? एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन नॉट टैक्सेबल, दोनों चीजें होनी जरूरी हैं। इधर देखें, एक्टिविटी और कंसिडरेशन, एक्टिविटी गायब कर दो, कंसिडरेशन रखो, सर्विस नहीं है। एक्टिविटी है, कंसिडरेशन नहीं है, सर्विस टैक्स में नहीं आएगा, सर्विस नहीं माना जाएगा। दोनों चीजें होनी चाहिए, एक्टिविटी विद कंसिडरेशन।
एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन, टूरिज्म इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है ना, गाइड जो करते हैं, लेकिन अगर फ्री ऑफ चार्ज करने लगे, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज, तो कोई सर्विस नहीं मानी जाएगी। एक्सेस टू फ्री टीवी चैनल्स, अच्छा एक और एग्जाम्पल, एन आर्टिस्ट परफॉर्मिंग ऑन अ स्ट्रीट, एक कलाकार है जो गली में गाना गा रहा है, वे अ पासर बाई जो गुजरने वाले लोग हैं, ड्रॉप सम क्वाइंस इन हिज बाउल, उसके कटोरे में कुछ ना कुछ क्वाइंस डाल रहे हैं, केप्ट ईदर आफ्टर फीलिंग रिजॉयस, या तो आनंद महसूस करते हुए या तो उसके साथ सहानुभूति दिखाते हुए, गरीब है बेचारा डाल दो 5 रुपये, अरे हंसने वाली क्या बात है। दूसरा, कितना बढ़िया गाना गा रहा है, इसको तो प्लेबैक सिंगर होना चाहिए, लो 5 रुपया। होता है नहीं होता, ट्रेन में देखो तो सब गाते हैं, बहुत मजा आता है। लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट बात नहीं लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज फॉर सिटीजन्स, गवर्नमेंट ने मेरे लिए रोड बनाया, अब गवर्नमेंट आकर नहीं ना बनाएगी, है कि नहीं, गवर्नमेंट ने मेरे लिए लाइटें लगवाई, हम लोग रात में जाते हैं कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी लाइटें लगती हैं कि नहीं, लेकिन उसके पीछे पैसे भी तो लगे, तो गवर्नमेंट ने ये सारी सर्विसेज हम लोग को दी हैं, कंसिडरेशन लिया है, लेकिन रिमोट है, क्या है, रिमोट है, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट फ्री में देती है, चाहे आप गवर्नमेंट को टैक्स दो ना दो, पैदा होते ही पोलियो की खुराक, क्यों, चलिए, कंसिडरेशन विदाउट एक्टिविटी, कंसिडरेशन विदाउट एक्टिविटी, पैसा मिल रहा है एक्टिविटी नहीं हो रही, अभी रिसर्च का तो बताया था मैंने। दूसरा, पर्सनल ऑब्लिगेशन पॉकेट मनी, बेटा जा रहा है कॉलेज, कहाँ जा रहा है, कॉलेज, कॉलेज नहीं जा रहा, कॉलेज जा रहा है, ये लो बेटा 50 रुपये, खाना पीना दोस्तों को भी खिलाना है तो ये क्या है, क्या कंसिडरेशन है, बोलो, बात नहीं, क्या कंसिडरेशन है, नहीं है, हमसे क्या पापा कहेंगे बेटा ये 50 रुपया लो, हमको रात में डेली पानी 2 गिलास जरूर पिलाना, ऐसा तो कोई नहीं बोलता, ठीक है ना, चलो, पर्सनल ऑब्लिगेशन। दूसरा, अमाउंट पेड एज एलिमनी फॉर डाइवोर्स, हाँ बोले, अमाउंट पेड फॉर एलिमनी फॉर डाइवोर्स, डाइवोर्स की, डाइवोर्स के केस में हम लोग जो पेमेंट इधर से उधर होता है, सर्विसेज दी जाती है, उनको भी हम सर्विस के दायरे में नहीं रखते। डोनेशन विदाउट कंडीशंस, बता दिया रिसर्च के केस में, प्योर गिफ्ट, तुम्हारा बर्थडे है, मैंने तुम्हें 5,000 रुपये का गिफ्ट दे दिया, सोचो कितना मजा आएगा, क्या उसके बदले हमको कुछ मिला। टिप्स एंड एक्स ग्रेशिया पेमेंट, जब तुम लोग होटल जाते हो, खाना खाते हो, जब बाहर निकलते हो तो वेटर के डब्बे में 5-10 रुपया रख देते हो। एक अच्छी सी स्टोरी है, ढंग से सुनना, एक बच्चा गया होटल में, उसने पिज्ज़ा का ऑर्डर दिया, उसने कहा पिज्ज़ा कौन कौन सा है, उसने कहा वेज पिज्ज़ा फलाना और डिमाका, कहा दोनों का रेट बताओ, कहा एक का रेट है 25 और एक का रेट है 20। तो उसने कहा, पहले सोचा 2 मिनट बच्चा, फिर कहता है जाओ 20 का ले आओ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसकी जेब में कितने रुपए हैं। वेटर ने पूछा कौन सा पिज्ज़ा खाएंगे, 20 का या 25 का, तो बच्चे ने 1 मिनट सोचा और कहा जाओ 20 का ले आओ पिज्ज़ा। अब वो 20 का पिज्ज़ा लाया, खाया, और जब जाने लगा तो जो आती है डायरी, डायरी आती है, उस पर पेमेंट रखा और चला गया, उसके डायरी में 25 रुपये रखे हुए थे, 20 रुपये पिज्ज़ा के और 5 रुपये टिप्स, जबकि वो चाहता तो कितने का पिज्ज़ा खा सकता था, 25 रुपये का, है ना। इसको हम कहते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट, क्या बोलते हैं इसको, एक्स ग्रेशिया या टिप्स। चले, कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज में बी पेड बाय अ पर्सन अदर देन द पर्सन रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ द सर्विस, ये मैं बता चुका हूँ, अब बताने की जरूरत नहीं है, अभी ऊपर मैंने एग्जाम्पल में बता दिया है कि एक कंपनी कहती है आपसे, आप उस कंपनी को सर्विसेज दोगे, हम आपको पेमेंट करेंगे, मेरी सब्सिडरी कंपनी को सर्विसेज दोगे, मैं आपको पेमेंट करूँगा, थर्ड पॉइंट वही है, क्लियर हुआ, कंसिडरेशन और एक्टिविटी आज क्लियर हो गया होगा, कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो गया है तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए जाए, क्यों, पक्की बात है ना, मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप लोग आंसर पर ऐसे बुक रख देंगे, देखेंगे नहीं, ठीक है, मैं पूछता हूँ एक एक करके, जरा देखते हैं कितनी तैयारी है, देखेंगे नहीं, आंसर साइड में नहीं जाएंगे,
लेफ्ट साइड और राइट साइड, राइट साइड को आप लोग ढक देंगे, ऐसा नहीं राइट साइड को ही देखें लेफ्ट साइड बाद में देखेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट मैं पूछ रहा हूं एक एक चीज करके। वेदर फॉलोइंग पेमेंट्स कंस्टिट्यूट अ कंसिडरेशन फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, इम्पोजिशन ऑफ अ फाइन और पेनाल्टी। आपने कोई टैक्स कम जमा किया, आपने कोई टैक्स जमा ही नहीं किया, आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनाल्टी लग गया, आपके ऊपर क्या लग गई, पेनाल्टी लग गई, आपके ऊपर क्या लग गई, फाइन लग गई। बताएं क्या लॉ तोड़ने पर जो पेनाल्टी और फाइन लगती है क्या वो सर्विस के दायरे में आएगा? नहीं, क्योंकि जिस वैल्यू की सर्विस थी वो तो दी जा चुकी है या ली जा चुकी है, हाँ या ना, ये उस सर्विस के अगेंस्ट में नहीं है, वो लॉ को ब्रेक करने के अगेंस्ट है। इस फाइन और पेनाल्टी द कंसिडरेशन फॉर द एक्टिविटी ऑफ ब्रेकिंग द लॉ इन ऑर्डर टू बी सर्विस एन एक्टिविटी हैज टू बी कैरिड आउट फॉर अ कंसिडरेशन, देयरफॉर फाइन्स एंड पेनाल्टीज विच आर लीगल कंसिक्वेंसेस। आपको कानून तोड़ने के अगेंस्ट ये फाइन और पेनाल्टी दी गई है, न कि सर्विस के अगेंस्ट। ये जो फाइन और पेनाल्टी लगाई गई है किस लिए लगाई है? कानून तोड़ा है आपने, क्या किया है? अ पर्सन एक्शंस आर नॉट इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर एन एक्टिविटी, दैट्स इट, क्लियर है? सेकंड पर आते हैं, ढक लेंगे। अमाउंट रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट क्या होगा? हां भी और ना भी, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर कोई सेटलमेंट हुआ है डिस्प्यूट का, अमाउंट मुझे रिसीव हुआ किसी डिस्प्यूट के अगेंस्ट, अगर सर्विस के अगेंस्ट डिस्प्यूट था कि भाई मुझे 10,000 मिलना था, सामने वाले ने 8,000 रुपए दिया और मुझे बाद में सेटलमेंट होकर 1,000 और मिला, क्या ये सर्विस का नहीं था? तुम लोग कहोगे हाँ बिल्कुल था, लेकिन ये वो डिस्प्यूट नहीं था, सर्विस के अगेंस्ट नहीं था, जमीन को खरीदने और बेचने से रिलेटेड था, मुझे बाद में 50,000 रुपए और मिल गए, क्या वो सर्विसेज के अगेंस्ट था? ना, वो जमीन के खरीदने और बेचने के अगेंस्ट था, बोलो, तो सर्विस में नहीं आएगा। तो जब भी सेटलमेंट की बात होती है डिस्प्यूट के, तो डिपेंड करता है क्या ये सर्विस से रिलेटेड डिस्प्यूट था या कोई और। अगर सर्विस से रिलेटेड डिस्प्यूट था और उसके सेटलमेंट में मुझे कोई पैसा मिला है, देन यस इट इज अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, अगर नहीं तो ये कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्लियर, हाँ या ना, कोई दिक्कत? जरा पढ़ते हैं आंसर क्या दिया है। दैट इज वेरी मच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट, सच अमाउंट्स आर नॉट कंसिडरेशन अनलेस इट रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ द कंसिडरेशन फॉर एन एक्टिविटी दैट हैज बीन कैरिड आउट। इफ द डिस्प्यूट इटसेल्फ पर्टेन्स टू कंसिडरेशन रिलेटिंग टू सर्विस, देन इट वुड बी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। अगर ये डिस्प्यूट सर्विस के अगेंस्ट है और कुछ सेटलमेंट हमको मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है, तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा, कुछ पेमेंट मिलेगा तो वो कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। तीसरा, अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, बिल्कुल सही है। जैसे ही मैंने आपको या आपने हमको एडवांस दिया, सर हम कल से पढ़ने आएंगे, ये मेरी एडवांस फीस है, क्यों अवनीश? जैसे ही हमें एडवांस फीस मिली, इसका मतलब हम दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप हो गया। सर्विसेज भले ही बाद में दी जाएंगी, लेकिन एट द सेम मोमेंट देर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, क्लियर? तो वो कंसिडरेशन का पार्ट है, ढंग से सोचना। मैं पूछ रहा हूँ ये कंसिडरेशन का पार्ट है या नहीं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में तुम लोग बहुत बुरी तरह उलझोगे। फोर्थ, डिपॉजिट रिटर्न्ड ऑन कैंसिलेशन ऑफ एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड अ सर्विस। देखो, इसने मुझे कुछ डिपॉजिट किया एडवांस या कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया था, अब हुआ क्या, हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, मैंने पूरा का पूरा पैसा इसका वापस कर दिया, क्या ये सर्विस है? ना, सर्विस हुई कहाँ, हम तो रिटर्न कर रहे हैं उस कंसिडरेशन को, हम क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन को रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न डिपॉजिट्स आर इन द नेचर ऑफ रिटर्न्ड कंसिडरेशन, अंडरलाइन कर लें, दैट इज एनफ फॉर यू, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। एडवांस फॉरफिटेड फॉर कैंसिलेशन ऑफ एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड अ सर्विस। सुनो ना,
हमने कहा था मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, एडवांस टोकन फीस जमा कर जाओ। तुम जाते समय 2,000 रुपये टोकन फीस जमा करके गए। मैंने कहा 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, दैट इज़ कंपल्शन ऑन यू टू अटेंड दीज 3 क्लासेस, अदरवाइज आई विल नॉट एंटरटेन यू टू टेक एडमिशन। क्लियर? तुम इन 3 दिनों में एबसेंट रहे। 4 तारीख को है सर हमारा एडमिशन। मैंने कहा जा इधर से, एडमिशन नहीं लूँगा। 2,000 तुमने कहा सर 2,000 वापस कर दीजिए। काहे का 2,000 वापस कर दें, फॉरफिट कर लिया। अब बताओ जो एडवांस मैंने फॉरफिट किया है क्या वो मेरा कंसिडरेशन है? क्या मैंने इसको कोई सर्विस दी है? हमारे और इसके बीच में तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप उसी दिन हो गया था जब इसने मुझे एडवांस दिया था। इसीलिए मैंने कहा था ध्यान से सुनना, तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाना ही सफिशियंट है। अब चाहे इमीडिएट बेनिफिट मिले, चाहे कुछ समय बाद बेनिफिट मिले। क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं आई? तो देखें आगे लिखा हुआ है इसी का आंसर। सीन्स सर्विसेज बिकम टैक्सेबल ऑन एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड अ सर्विस, सच फॉरफिटेड डिपॉजिट वुड रिप्रेजेंट कंसिडरेशन फॉर द एग्रीमेंट दैट वॉज एंटर्ड इन टू द प्रोविजन ऑफ सर्विस। ब्रैकेट में कहीं लिख दो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, कहीं भी लिख लो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, हमेशा याद रहेगा। पक्की बात ना सोचे ना, आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 6, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट इज रिटर्नेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। आपने हमको कोई डिपॉजिट दिया और उसके बाद मैं ये डिपॉजिट आपको वापस कर दूंगा जब हमारे आपके बीच में रिलेशनशिप कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। तो जब हमारा आपका रिलेशन खत्म होगा तो मैं आपको ये पैसा वापस कर दूंगा। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, बिकॉज दिस इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड द कंसिडरेशन। जब मैं आपको सर्विसेज दूंगा उसका पैसा तो मैं लूंगा, दैट इज नॉट अ सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट द कंसिडरेशन। हाँ या ना? पक्की बात है? सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिटेड फॉर डैमेजेस डन बाय सर्विस रिसीवर इन द कोर्स ऑफ रिसीविंग सर्विस हो तो क्या? मैंने आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफिट कर लिया, आपने कुछ वायलेशन किया, एग्रीमेंट तोड़ा, मैंने आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट को क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। लेकिन हाँ, ये सर्विस से रिलेटेड होना चाहिए, सामान खरीदने और बेचने से रिलेटेड ना हो, ठीक है ना? इफ द फॉरफिटेड डिपॉजिट्स रिलेट टू एक्सीडेंटल डैमेजेस ड्यू टू अनहॉर्स एक्शंस नॉट रिलेटेबल टू प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, देन सच फॉरफिटेड डिपॉजिट वुड नॉट बी अ कंसिडरेशन। एक्सीडेंटल डैमेजेस है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस पॉइंट को हम आगे फिर समझाएंगे। पॉइंट नंबर 7 के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, आगे ये चीज अपने आप आएगी, चिंता न करना, ठीक है? आगे बढ़े। एक्सेस पेमेंट मेड एज अ रिजल्ट ऑफ अ मिस्टेक, अगर मुझे एक्सेस पेमेंट मिल गया, इफ रिटर्न इट इज नॉट कंसिडरेशन। मुझे आपसे फीस लेनी थी 500 रुपए, मैंने आपसे फीस ले ली 600 रुपए, अगर मैं वो 100 रुपए वापस कर देता हूं तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। लेकिन अगर उसमें उसको रिटेन कर लेता हूं तो इट्स अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। क्लियर है? डीमरेज पेबल फॉर यूज ऑफ सर्विसेज। डीमरेज सर, ये मरेज, मरेज क्या है? ये मरेज नहीं है, डीमरेज है। डीमरेजेस मालूम है क्या होता है? अभी बताता हूं। डीमरेजेस पेबल फॉर यूज ऑफ सर्विसेज बियॉन्ड द पीरियड इनिशियली एग्रीड अपॉन। होता क्या है, जब आप विदेश से सामान मंगाते हैं तो आप सी पोर्ट पर कस्टम कि यहाँ सामान रखा रहता है आपका, ऐसा थोड़ी कि बंदरगाह पे सामान, अच्छा रेलवे से आपने सामान मंगाया तो रेलवे आपका सामान कहाँ स्टोर करती है? नहीं, सड़क पर। हाँ, क्या ये उम्मीद करती है कि आदमी आएगा तुरंत खड़ा होकर के तुरंत निकालेगा अपना सामान ले जाएगा? अरे नहीं, उसके पास स्टोर रूम बने हुए हैं, सामान आता है सारा का सारा स्टोर रूम में स्टोर होता है। उसी तरह जब विदेश से सामान आता है, बड़ी बड़ी जहाज़ें आती हैं, टाइटेनिक टाइप की शिप्स वगैरह आती हैं, वहाँ से स्टॉक निकाला जाता है, आपने सामान मंगाया, वो सामान आपका वेयर हाउस में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है ना? वेयर हाउस जिसको कहते हैं, गोडाउन्स, उसमें जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, सारा का सारा सामान जाकर के वहाँ जाकर कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आप 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद गए, आपने अपना बिल्टी दिखाया और बिल्टी के अगेंस्ट अपने सामान छोड़वा लिया। क्लियर है? निकलवा लिया। पक्की बात है? हाँ या ना? ये सिस्टम होता है, आपने कस्टम टैक्स दिया, आपने अपना सामान निकाल लिया। अब हुआ क्या, आपने सामान मंगा लिया विदेश से, कंटेनर भर भर के 10 करोड़ का स्टॉक, पूरा आपने वेयरहाउस खींच लिया कस्टम वालों का,
दूसरों का सामान नहीं रख पा रहा है कि नहीं? आपने कहा सामान आएगा, यहाँ मेरे यहाँ भरा रहेगा, जहाँ है वहाँ सेफ है, निगरानी करने के लिए वहाँ गार्ड है, जगह मिली हुई है, क्या दिक्कत है, क्यों सामान निकलवाएं? बेटा ऐसा नहीं है, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, हर एक सामान की अलग अलग वैलिडिटी पीरियड होती है। आपका सामान उस 15 दिन के अंदर निकल जाना चाहिए। अगर आपने सामान 15 दिन के अंदर अपना नहीं क्लियर करवाया तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन लगेगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डीमरेज चार्जेस, ठीक है ना? तो ये डीमरेज चार्जेस आपने दिया है पेबल फॉर यूज़ ऑफ सर्विसेज, हाँ तो ये कंसिडरेशन का पार्ट है, क्योंकि सामने वाले ने आपको सर्विस दी, एक्स्ट्रा समय दिया, तो उसके अगेंस्ट उसने कंसिडरेशन मांगा, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। क्लियर है? वेदर द फॉलोइंग, अब ढंग से सुनना, मैंने कहा कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वेदर दीज आर द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन और नॉट, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वेदर द फॉलोइंग बी रिगार्डेड एज सर्विसेज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है या नहीं? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा तो वहां पर तो सर्विस टैक्स लगता ही नहीं है, बताया था क्यों? सर्विस प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय अ पर्सन टू अनदर, ना यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ सर्विस लग जाएगा, पक्की बात है ना? हम पूछ क्या रहे हैं, ढंग से सुनना, हम पूछ रहे हैं क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ना, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि नॉर्मल सर्विसेज के दायरे में आ सकता है। क्लियर है? तो हम जो पूछ रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कैजुअल वर्कर टू एम्प्लॉयर, हाँ चाहे कैजुअल वर्कर हो चाहे आउट वर्कर हो, क्यों? फिलहाल आउट वर्कर को हम किनारे रखते हैं, हम कैजुअल वर्कर जो बाहर से आकर के कुछ दिन के लिए मेरी फैक्ट्री में काम करेंगे, इसका मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। जब तक वो मेरे यहाँ रहेंगे, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, वो हमारे एम्प्लॉय की तरह रहेंगे, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। इन केस द कैजुअल वर्कर आर एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर लाइक अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर और सिक्योरिटी एजेंसी सर्विसेज हु डिप्लॉयज देम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मान लो मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी है, मेरे पास तुम लोगों ने अप्लाई कर रखा है, सर हमें भी नौकरी चाहिए सिक्योरिटी गार्ड की तरह, तो मेरे पास कोई कंपनी आती है, कहती हमको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, मैंने कहा जाओ शाम को रिपोर्टिंग देना, नाउ यू आर जस्ट ट्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू एज अ एम्प्लॉई, हाँ है ना, आप आते हो डेली हमको रिपोर्टिंग देते हो, पक्की बात है ना? तो यहां पर क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस कम अंडर द ट्रांजेक्शन ओनली इन मनी, ट्रांजेक्शन इन मनी मैंने बताया था, बैंक से पैसा निकालना, बैंक में पैसा जमा करना, किसी से एडवांस लेना, किसी को एडवांस देना, 1000 रुपए के नोट के 100-100 रुपए में चेंज करवाना, क्लियर है? लेकिन वही मनी चेंजर जब करता है कमीशन के अगेंस्ट, वो सर्विस हो जाती है। आज फिर मैं तुम लोगों को लास्ट में देखें, लास्ट पेज, पेज नंबर 12 पर मैंने फिर से डेफिनेशन दी हुई है मनी की, और डेफिनेशन दी है एक्शनेबल क्लेम की, दिए कि नहीं दिए? पक्का ना? जरा दोनों को पढ़ते हैं फिर से और उसके बाद ऊपर चलते हैं कि क्या वो ट्रांजेक्शन इन मनी है या नहीं। मनी मीन्स लीगल टेंडर, मनी मीन्स चेक, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर्स चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस और एंड सच सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? ये सब मनी है, क्या है ये? लेकिन आगे जो वर्ड दिया है, बट शैल नॉट इंक्लूड, अंडरलाइन कर लें, शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी, करेंसी की बात हो रही है, दैट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिसमेटिक वैल्यू। लास्ट टाइम मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ करके अवॉइड किया था, न्यूमिसमेटिक वैल्यू न मैंने बताया और न तुम लोगों ने उस समय रोका था कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमिसमेटिक वैल्यू। मेरा पर्पज़ वहाँ केवल मनी का एक शॉर्ट टर्म बताना था रेफरेंस के तौर पर। ढंग से समझो मनी का मतलब क्या है, मनी का मतलब आपका लीगल टेंडर, यानी जो करेंसीज आती है नॉर्मली 1000 रुपये का नोट, 500, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज,
ट्रैवलर्स चेक, पे ऑर्डर, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर और सच टाइप ऑफ रेमिटेंसेस। क्लियर है, ये सब मनी के डेफिनेशन में आएंगे। लेकिन इसमें शामिल नहीं है करेंसी। कौन सी करेंसी? अरे बाबा, आदम के जमाने की करेंसी। नहीं समझे मेरी बात? अगर आपके पास अकबर और शाहजहां के ज़माने की करेंसी है, घर पे रखी हुई है, उस पे लिखा हुआ है 10 रुपया मान लेते हैं, तो आप कितने में बेचोगे हमें? 9 रुपये में, 8 रुपये में, 11 रुपये में, 12 रुपये में? अरे लाख रुपए में बिकेगा वो 10 रुपये 10 के बराबर नहीं है। अरे उस 10 की वैल्यू लाख के बराबर है, 50,000 के बराबर है, 10,000 के बराबर है या नहीं है? इसी को कहा जाता है शैल नॉट इंक्लूड द करेंसी विच इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। जिसको रखा है मैंने उसकी अपनी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू प्राप्त करने के लिए। अब क्लियर है? क्लियर है? तो ये हमारी सर्विसेज में आएगी, ये करेंसी को हम लोग यहाँ से हटाएंगे। जो रनिंग करेंसी है उसको हम लोग किनारे रखेंगे, हम उसको कहते हैं ट्रांजेक्शन इन मनी। फिलहाल मनी का डेफिनेशन था ये। एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम। सर ये एक्शनेबल क्लेम कहाँ से आ गया? जब तुम लोग को गुड्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से, तो उसमें एक्शनेबल क्लेम वर्ड यूज़ किया गया था, बट डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मोर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सर न तो हमें हाइपोथिकेशन का मतलब मालूम है, न हमें प्लेज का मतलब मालूम है, न हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं मोर्गेज सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, हम इन सब चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते। नहीं कर पाते ना तुम लोग? देखें इधर, एक होता है मॉर्गेज, एक होता है प्लेज और एक होता है हाइपोथिकेशन। ठीक है ना? मॉर्गेज का मतलब क्या है बोलने दो। तुमसे पूछेंगे इसका क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब वही बताओगे, इसका मतलब भी वही बताओगे। हम अंतर करने के लिए बता रहे हैं तीनों को। हमें एक प्लांट चाहिए था। क्या चाहिए था? प्लांट। किस लिए? प्लांट मशीन क्यों चल लोगे बताओ ना? नहीं, क्या करने के लिए? घर में सजाने के लिए। आटा चक्की चाहिए, किस लिए चाहिए? घर पे कोने सजाने के लिए? नहीं, हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है। हम बैंक के पास गए, मैंने कहा मुझे प्लांट चाहिए, तो उसने कहा ले लो। उसने कहा कुछ सिक्योरिटी दो, मैंने कहा सिक्योरिटी प्लांट को ही रख लेना। हाँ, सिक्योरिटी के तौर पर प्लांट का ही नाम रख लो, क्या दिक्कत है? उसने कहा तो अच्छी बात है। प्लांट आया मेरी फैक्ट्री में, अगले दिन बैंक वाला आया, कह रहा है हम सिक्योरिटी पर ले जा रहे हैं इसको। तो मंगाया किस लिए था? तो बैंक में सजाओगे क्या इसको? ना, आई विल यूज दैट प्लांट एंड मशीनरी दैट इज इन माइन पोजेशन। ये मेरे पोजेशन में है, मैं इसका यूज कर रहा हूँ और इसके जो इंस्टॉलमेंट्स हैं लोन के वो मैं पे ऑफ कर रहा हूँ। जब मैं डिफॉल्ट कर जाऊँगा लोन का इंस्टॉलमेंट देने में, बैंक आएगा, प्लांट अपने कब्जे में लेगा और किनारे, दैट्स इट। इसको हम कहते हैं मोर्गेज, बंधक। क्या कहते हैं इसको? बंधक। बंधक का मतलब वो अपने यहाँ नहीं ले जाएगा, जबकि प्लेज का मतलब वही होता है, वो अपने यहाँ ले जाएगा। क्या ले जाएगा? जैसे ज्वेलरी को तुम लोग प्लेज करते हो, क्या करते हो? गिरवी रखते हो। दुकानदार से कहते हो भाई साहब ये ज्वेलरी मेरी गिरवी रख लीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, पैसा होगा हम आपको पैसा लौटा देंगे, मेरी ज्वेलरी आप लौटा देना। कहते हो ना? बोलते हो या नहीं? ये होता है प्लेज। फिजिकल ट्रांसफर हो जाता है एसेट्स का। हाइपोथिकेशन, ये एप्लीकेबल होता है स्टॉक के केस में। हमको गवर्नमेंट का, अरे बैंक कहती है कि जो प्लांट एंड मशीन आपको मैंने खरीदवाया है ना लोन पर, बेचना मत, बेचना मत, ये मेरे बंधक में, यूज करो, मुझे मेरा पैसा दो। बेच नहीं सकते इसको, क्योंकि इस पर किसका नाम है? मेरा नाम है। ये मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी है, इसको आप बेच नहीं सकते। क्या प्लांट हम बेच करके बैंक का पैसा देंगे?
अरे नहीं दे सकते, यानी प्लांट को हम बेचने का अधिकार नहीं रखते। स्टॉक की बात करते हैं, मुझे स्टॉक की जरूरत है, खूब ऑर्डर्स मिल रहे हैं, स्टॉक की कमी है, प्लांट है मेरे पास, मशीन है, सब है, स्टॉक नहीं है। मैं गया दौड़े दौड़े बैंक के पास, मैंने कहा मुझे स्टॉक के लिए पैसा चाहिए। उसने कहा अच्छा स्टॉक के लिए पैसा चाहिए, कितना चाहिए? मैंने कहा 2 करोड़। ये लो 2 करोड़, स्टॉक खरीदो। स्टॉक मैंने खरीदा, बैंक ने कहा मत बेचना। अरे तो खरीदा किस लिए था? स्टॉक खरीदा ही इसलिए जाता है कि उसको बेचा जा सके। अब मान लो मेरा अंडे का बिजनेस हो और मैंने 2 करोड़ के अंडे खरीद लिए, स्टोर कर लिया, बैंक ने कहा मत बेचना, 4 दिन बाद तो चूजे निकल आएंगे। तो मेरी बात समझना, हर जगह चू 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 करेंगे। उन सबको उठाकर मैं बैंक के कहूँगा बैंक वाले को ले जाओ अपने बैंक में संभाल कर रखो। स्टॉक जो होता है वो सेल के लिए ही होता है। किसके लिए होता है? सेल के लिए ही होता है, इसीलिए यहाँ पर बेचना मना ही होती है। इसको हम बेच नहीं सकते लेकिन इसको हम सेल कर सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है अंडर द हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। हाइपोथिकेशन बंधक नहीं है, लेकिन हाँ सुन लें, अगर मैंने 2 करोड़ का स्टॉक खरीदा है बेचने के लिए तो ये नहीं कि आप 2 करोड़ का स्टॉक खाली कर लो। स्टॉक बेचा 2 करोड़ का फिर आ जाना चाहिए, फिर गया फिर 2 करोड़ का आ जाना चाहिए, यानी ऑलवेज इन योर पोजिशन देर मस्ट बी ए स्टॉक ऑफ ₹2 करोड़। क्लियर है? डिटेल में हम नहीं समझा रहे, वो जब सीए बनोगे तो समझ में आएगा। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1.25 करोड़ क्या है वो बात की बात है। फिलहाल जितना समझाना था वो मैंने समझाया, तीनों में डिफरेंसेस। मॉर्गेज का मतलब होता है मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, मॉर्गेज्ड है, आई कैन नॉट सेल इट। क्लियर? हाँ, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। स्टॉक मैंने खरीदा, मेरे पास रहेगा, मैं बेचूँ खरीदूँ वो मेरी मर्जी है। स्टॉक को मैंने बेचने के लिए ही खरीदा है, ठीक है ना? इसीलिए इसको मॉर्गेज ना करके क्या बोला जाता है? हाइपोथिकेशन। प्लेज क्या होता है? हमने कोई सामान ही गिरवी रख दिया। क्लियर? अब फिर पढ़ते हैं एक्शनेबल क्लेम। मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट। क्लेम टू एनी डेट, मैं क्लेम कर सकता हूं किसी डेट पर, लोन पर, अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। अगर मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी है, अगर मैंने कहा मैंने तुम्हें लोन दिया, बिल्डिंग रखा है, तो एक्शनेबल क्लेम थोड़ी है। वो एक्शनेबल क्लेम कहाँ है? एक्शनेबल क्लेम का मतलब जिस पर मुझे एक्शन लेना है, क्योंकि मैंने तो कुछ रखा ही नहीं था, गिरवी मुझे दिया ही नहीं गया था, मैंने तुमको लोन दिया था, तुमने तो दोस्ती के नाम पर धोखा दिया। हाँ या ना? देखो, अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मोबल प्रॉपर्टी और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मोबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजिशन ईदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट विच द सिविल कोड फलाना डिमाका छोड़ दो। इलस्ट्रेशन ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स आर अनसिक्योर्ड डेट, जो सिक्योर्ड था ही नहीं। तुम मेरे पास है 5 लाख रुपए, तुमने दोस्ती के नाम पर मांगा, मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिया, बाद में मैंने कहा मेरा पैसा वापस कर। कौन सा पैसा? तुम्हारे मुंह से निकला क्या? तो भैया ठीक है, कोर्ट में आ जाओ, अनसिक्योर्ड डेट। इसको कहते हैं एक्शनेबल क्लेम, जिसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सके। राइट टू पार्टिसिपेट इन द ड्रॉ टू बी हेल्ड इन अ लॉटरी, छोड़ दें इसको, ये क्लियर है। चले वापस आए, वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स कम अंडर ट्रांजेक्शन इन मनी, अ बिजनेस ऑफ चिट फंड, ये वाला चीटिंग वाला चिट नहीं है, चिट फंड का बिजनेस। इन बिजनेस चिट फंड सिंस सर्टेन कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, चिट फंड के बिजनेस में हम लोग कमीशन चार्ज करते हैं, कोई भी पैसे का आदान प्रदान लेन देन होगा वहां हम क्या चार्ज करते हैं? कमीशन, हर ट्रांजेक्शन पर। तो जब ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट कमीशन है तो कंसिडरेशन हो गई, एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन। तो ये हमारा क्या होगा? ट्रांजेक्शन इन मनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां हम क्या चार्ज कर रहे हैं? चिट फंड कमीशन। क्लियर है? इट इज़ नॉट अ ट्रांजेक्शन ओनली इन मनी, लिखा भी तो है। मेकिंग ऑफ अ ड्राफ्ट, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा सुन ये 5,000 ले, मुझे 5,000 का ड्राफ्ट बना दे। बैंक ने 5,000 रुपये लिया और 5,000 का ड्राफ्ट बना दिया। क्या क्या कोई ऐसा कोई बैंक है क्या हिंदुस्तान में, कोई ऐसा बैंक हो जो 5,000 ले और 5,000 का ड्राफ्ट बना दे? तो मुझे बताओ। नहीं, कहेगा हमें कमीशन चाहिए। क्या चाहिए? ऊपर से 100-150 रुपये 50 रुपये वो कमीशन मांगेगा। तो उसने मुझसे मांगा 5,100, बताओ सर्विस कितने रुपए की हुई? 5,000 की, 5,100 की या 100 की? 100 की। 5,000 के बदले तो 5,000 उसने मुझे दे दिया। मैंने तो अभी तुम लोग को बताया ट्रांजेक्शन इन मनी, मनी की मीनिंग होती है पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर सब होता है। तो डिमांड ड्राफ्ट इज अ ट्रांजेक्शन इन मनी। 5,000 के बदले मुझे 5,000 की डिमांड ड्राफ्ट मिल गया, तो दैट इज योर ट्रांजेक्शन इन मनी। लेकिन जो उसने मुझे ऊपर से चार्ज किया 50 या 100 रुपए ये सर्विस देने के लिए, वो मेरा है सर्विस।
ठीक है, ये ट्रांजैक्शन नॉट इन मनी कहलाएगा। एन इन्वेस्टमेंट, छोड़ दें इसको, पढ़ लेंगे आप लोग, डेट कलेक्शन सर्विसेज और क्रेडिट कंट्रोल सर्विसेज, ठीक है। डेट कलेक्शन सर्विसेज का मतलब आपने किसी को माल बेचा, आपने मुझसे कहा मेरा पैसा वहां से निकलवा दो, मैंने कहा ठीक है मैं डेट कलेक्शन का काम करता हूँ, आप मुझे कमीशन कितना दोगे? देखो कमीशन की बात आई, आप बैठे रहो यहाँ, मैं जाकर पैसा ले आता हूँ, आप मुझे कमीशन दे देना, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन इन मनी ओनली, क्लियर, इसके अगेंस्ट मुझे ये सर्विस के दायरे में आएगा। ट्रांजेक्शन इन मनी जो होता है वो सर्विस के दायरे में नहीं आता। सेल परचेज एक्विजिशन और असाइनमेंट ऑफ अ सिक्योर डेट लाइक मोर्गेज, ठीक है पढ़ लेना, बता दिया ये तो। तो ये चीज़ें जो हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये सारे एग्जांपल्स आपको आगे पूरे के पूरे काम आएंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, सर्विस टैक्स के दायरे में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितनी वैल्यू को कंसीडर करें, ये सारी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस काम आएंगे, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बोले, सॉरी, हाँ बोले बोले, आप टाटा कौन सा, घर पे डिश टीवी कौन सी है, वीडियो कौन, सारा पे चैनल है, कुछ फ्री टू एयर चैनल्स होते हैं, आप कुछ भी ना लगाओ ऊपर, केवल एंटीना पुराने जमाने का भी लगा दो तो भी टीवी पर कुछ कुछ पकड़ेगा, बात समझना, अरे पकड़ेगा, वो फ्री टू एयर चैनल्स होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कंसिडरेशन तो लिया नहीं गया, कभी कभी नेपाल का भी चैनल पकड़ लेता है, अरे तो ये फ्री टू एयर चैनल्स हैं, इनके अगेंस्ट मैंने कुछ दिया ही नहीं, तो ये सर्विस है ही नहीं, एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन, तो ये एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन है, हाँ या ना। तो आपको कुछ फ्री चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, दूरदर्शन कंपल्शन है, मिलना ही मिलना है, आप नहीं भी चाहोगे तो भी दिखाई देगा, ठीक है ना। और बोले टूरिज्म, वही टूरिज्म इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है फ्री ऑफ चार्ज, कोई नहीं लिया जाता, आप किसी भी स्टेट में जाएं, गवर्नमेंट आपको प्रमोट करती है, आप मेरे स्टेट में आए देखे होंगे, मध्य प्रदेश के लिए देश का दिल देश का धड़कन कुछ इस तरह की ऐड आती रहती है, और बहुत अच्छी ऐड आती है, तो ये सब क्या है, टूरिज्म को बढ़ावा देना, वहाँ जब आओगे तो आपको टूरिज्म गाइड पूरी हेल्प करेगा। आप जब दिल्ली पर उतरते हो स्टेशन पर तो आप देखो तो लिखा रहता है टैक्सी का, आपको प्रीपेड बूथ मिलता है वहाँ पे, मिलता है, जितने भी बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं नॉर्मल वहाँ पर प्रीपेड बूथ्स होते हैं, यहाँ पर भी है आपके अपने सिटी में भी है, लेकिन जल्दी कोई उसका यूज़ नहीं करता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपको ऑटो वाला परेशान नहीं कर सकता, आप जाते हो कहते हो हमें ऑटो में बैठना है, ऑटो वाले से पूछते हो कितना लोगे वहाँ तक का, कहेगा 500 रुपया, अरे 100 रुपया लगता है, 500 मांग रहे हो, तत हम दूसरे ऑटो को खोजने की क्या जरूरत है, आप प्रीपेड बूथ पर चले जाओ, एक रसीद कटवा लो, किसी भी ऑटो में बैठ जाओ, बात समझना, जो वहाँ जा रहा हो कोई मना नहीं कर पाएगा आपको बैठने से, अब क्लियर है। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थैंक यू बच्चों।